देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे दियों को जलाने का कार्य चल रहा है। पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं प्रभु राम। मित्रों बहुत स्वागत है आप सभी का आज के दीपोत्सव के एक्सक्लूसिव ब्लॉग ऑफ अयोध्या के। मैं हूं अभी अपना जहां पे मैं अभिनंदन इस होम स्टे में मैं रुका था यहां हूं और अभी मैं आरंभिक आज का जो दिन का आरंभ कर रहा हूं वो है आज की शोभा यात्रा से। अभी हम रेडी हो गए हैं और यहां से निकलते हैं और चलेंगे सबसे पहले देखने के लिए अयोध्या में हो रहे आज की स्पेशल शोभा यात्रा को। तो चलिए आगे बढ़ते। तो फ्रेंड्स अभी की अपडेट ये है कि रोड पूरी ब्लॉक है, तो अभी हम स्कूटी से जा रहे हैं क्योंकि स्कूटी को भी ब्लॉक कर दिया गया है, मेन रोड से कुछ नहीं जा सकते। तो अभी गली गली जा रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं इन गलियों के माध्यम से हम अयोध्या के उस स्थान पर पहुंचेंगे साकेत कॉलेज के पास जहाँ से शोभा यात्रा का आरंभ होता है। तो चलिए आपको आगे दिखलाते हैं। अभी मैं हूँ इस समय अयोध्या में। अयोध्या आप देख रहे हैं ये है रामपथ और इसी रामपथ पे थोड़ा सा आगे है साकेत कॉलेज और साकेत कॉलेज से निकलने वाली है इस वर्ष और अभी तक की सबसे बड़ी शोभा यात्रा। जितना हो सकता है निकटतम दृश्य और ऊपरी दृश्य सब कुछ मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैसी विश्व प्रसिद्ध झांकी अयोध्या में दीपोत्सव पर निकलती है। तो इस एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। जी देख सकते हैं यहाँ पर एक एक करके झांकियाँ निकलने शुरू हो गए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर झांकी लगने आरंभ हो चुके, एक एक करके ये निकल रहे हैं और एक एक करके अंदर कॉलेज से निकल रहा है। आप ये पूरे रोड पर आप देख सकते हैं कि इसकी भव्य तैयारियाँ आरंभ हो चुकी हैं। तो ये देख रहे हैं आपको कितनी सुंदर सुंदर तरीके से नृत्य प्रस्तुति हो रही है, झांकियां निकल रही हैं और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको साकेत कॉलेज का बोर्ड दिख रहा है, महाविद्यालय अयोध्या का, और यहाँ पर हो रही है झांकियों का आरंभ। क्या जोश है, क्या उमंग है, क्या मजे है आप देख। देख सकते हैं एक एक करके यहाँ पर जो है कि झांकियों के लिए लोग तैयार हो रहे हैं और एक एक करके जो झांकियाँ हैं रथों पर निकल रही हैं और उनकी प्रिपरेशन पूरी अभी चल रही है। मैं हूँ अभी इनसाइड ऑफ देख सकते हैं स्नातकोत्तर जो साकेत महाविद्यालय है उसमें और सामने इसके लगे हुए हैं रथ और झांकियाँ हो रही हैं आरम्भ। तो जैसा कि देख सकते हैं जयवीर सिंह हमारे पर्यटन मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं। हमारे पर्यटन मंत्री जो है कि जयवीर सिंह ऊपर स्टेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर नीचे उनके स्वागत में भी इस समय ढोल नगाड़े काफी बज रहे हैं और कैमरामैन आदि लगे हैं। जो विजय ध्वज देखिए उनको मराठा स्टाइल में पूरा उसको लहराया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल का एक तरह से पूरा झांकी चल रहा है। अब हम चलिए आपको थोड़ा और आगे दिखलाते हैं, ये सभी कुछ आप देखते रहिए और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और अभी आगे क्या क्या देखने को मिलता है। योगी जी को धन्यवाद, जय श्री राम के लिए। ये है प्यार, ये है उत्साह, ये है उमंग यहाँ के लोगों के मन में उनके प्रति। और ये देखिए झांकी एक एक करके चल रही है। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है शोभा यात्रा और आपको मैं बता दूं 8 से 10 देशों के यहाँ पर झांकियाँ लोगों के द्वारा निकाली जा रही है और ये बहुत ही भव्य है क्योंकि इस साकेत कॉलेज से लेकर के लगभग 3 से 4 किलोमीटर की यात्रा निकलेगी और लता चौक पर ये पहुँचे तो वहाँ पर सीएम योगी इनका स्वागत करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है और इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में दिखला रहा हूँ। चलिए और आगे दिखलाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से कौशल्या मैया और बाकी राम जी के जो जन्म है उनके जो बाल्यावस्था को यहाँ पर पालने में दर्शाया जा रहा है झांकी में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मंत्री जी स्वयं पद यात्रा कर रहे हैं इसे शोभा यात्रा के जस्ट साथ साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मंत्री जी को। तो
देख सकते हैं कि अभी हम थोड़ा आगे आ गए, लेकिन घरों से निकल करके जो बाहर से जो लोकल हैं अयोध्या के लोग, कितनी उमंग के साथ यहाँ पर स्वागत के लिए खड़े हैं। देखिए फूल वूल हाथ में लिए हुए हैं, स्वागत के लिए अभिलाषी आकांक्षी हैं और बड़ी संख्या में लोग बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर अभी हम जन्मभूमि के पास अभी टेढ़ी बाजार है, जहाँ पर नया जो है कि पार्किंग और स्टे बना हुआ है, उसके जस्ट आगे आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए अभी शोभा यात्रा आगे आने वाली है, इधर देखिए। तो ये देखिए फूल मालाओं से भी बारिश हो रही है, पूरी जमीन में फूल बरसे हैं और जनता की ये उत्साह है कि फूलों से वर्षा किया जा रहा है पूरी की शोभा यात्रा पे। यहाँ पर देख रहे हैं एक और झांकी है जो कि दीपोत्सव के लिए सजी हुई है, उत्तरकांड के जो अनुसार यहाँ पर झांकी निकाली जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएटर से लेकर के जो झांकी है वो काफी अच्छी खुशी चल रही है। और यहाँ पे इस समय मोर के ये देखिए अभी यहाँ पर पंजाबी भांगड़ा हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में आपको माजा भी दिख रहा है क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ पर, आप नोटिस करिएगा। तो बीच बीच में पानी और जूस की भी सप्लाई की जा रही है सबको, क्योंकि कोई डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। धूप आप इसमें देख सकते हैं बहुत है। देखिए किस प्रकार से पानी जूस आदि पिलाया जा रहा है, ये पूरी सप्लाई हो रही है माजा का जूस का, ताकि करके सारे लोगों को कि कोई को भी कोई परेशानी ना हो, प्यास आदि से कोई दिक्कत ना हो। देखिए अभी तेलंगाना की झांकी निकल रही है, जहां पर लोग तेलंगाना के पारंपरिक वेशभूषा में आ रही है। देखिए देख सकते हैं अभी आपको मैं छत्तीसगढ़ की झांकी दिखा रहा हूं, ये पीलीभीत की झांकी है। तो अभी आप देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश की झांकी जो कि आपको देखने को मिल रही है यहां पर, वहां की पारंपरिक वेशभूषा और नृत्य में यहां पर लोग प्रस्तुति दे रहे हैं। देखिए गाजीपुर की झांकी अभी आप देख रहे हैं। तो अभी आप देखिए ये आसाम की झांकी है, बिहू डांस कर रहे हैं, देखिए आसाम की झांकी वहां की प्रस्तुति है। कुछ इस प्रकार से बहुत लंबी झांकी, 1 किलोमीटर से अधिक लंबी झांकी यहाँ पर शोभा यात्रा के माध्यम से चल रही है। अब हमने सारी झांकी को एक एक करके देख लिया है। भाई कैसा लगा साथ में हम लोग आए? बहुत बहुत खूबसूरत है, लेकिन गर्मी थी, लेकिन मजा बहुत आया। जी हाँ मजा तो बहुत आया, लेकिन वही की सजा के तौर पर जो सूर्य देव है ऊपर से हम लोग को तपिश दे रहे हैं। बहरहाल बहुत मजा आया, आपको मैं एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस दिखाया हूँ। इसके बाद जो वो और भी मजेदार होने वाली है, जिसमें कि दीपोत्सव के एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा, बने रहिएगा वीडियो। तो अभी हम वापस से चेंज करके थोड़ा सा रेस्ट करके चेंज करके पसीने हो गए थे, पूरा चेंज करके वापस से निकल रहे हैं और बाईपास से जा रहे हैं और चलते हैं सीधे राम की पैड़ी पर, आपको दिखाते हैं। हम अभी आ चुके हैं धर्मपथ पर और आप देख सकते हैं इस समय पूरी तरह से केवल पास वालों को ही अलाउड कर रहे हैं, बाकी अब हम अंदर चल रहे हैं लता चौक की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी हम आ चुके हैं यही इन गलियों से, अभी हम होते हुए आगे चल रहे हैं क्योंकि पूरा मेन रोड बंद है। तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय हम आ चुके हैं राम की पैड़ी पर, और इस समय अगर समय की बात करूं तो मेरे घड़ी में बज रहा है लगभग 2:40। और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दियों में रुई बाती डालने का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, और साथ में कुछ जगह पर आप देखिए तो दिए के इसमें तेल भी डाला जा रहा है। तो इस प्रकार से अभी यह आयोजन दोपहर के 2:30 बजे ही तेज गति से चल रहा है, और इस समय पूरी की पूरी जो वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर स्वयंसेवक समूह जो है दिया जलाने के लिए, वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनते हुए और बनाने में जो इनका सहयोग है उनके माध्यम से यह पूरा कार्य संचालित है। चलिए अब हम आपको और भी आगे के दृश्य दर्शाते हैं। तो इस समय भक्तिमय माहौल, संगीत गुंजायमान है, और इस समय आप सामने दियों को सजाते हुए सजते हुए देख सकते हैं। अभी देखिए अभी हम लोग मेन जो कि राम की पैड़ी के जो अभी उधर थे अब इधर आ चुके हैं, घाट नंबर 10 है, और यहाँ पर जो कि विशिष्ट दीर्घा नाम से जो आपको दिख रही है, इसी विशिष्ट दीर्घा पर आगे अभी योगी जी भी आकर के बैठेंगे।
जैसा कि मेरे पीछे आप चारों साइड में देख सकते हैं, इस समय अभी भी पूरी के पूरे दिए को सजाने का, तेल डालने का, बाती डालने का काम चल रहा है और लगभग 30,000 वॉलंटियर्स हैं जिनके सहयोग से, सहायता से ये सभी कार्य हो रहा है, जिसमें कि थोड़ा बहुत हमने भी अपना हो सका जितना योगदान किया है और अभी आगे और करेंगे जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा और कुछ प्रिपरेशन देखने और आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है दीपोत्सव 2024 का एक पूरा बुकलेट, जिसमें कि अगर मेन अगर इवेंट की बात करें, जो कार्यक्रम होने, वो आप यहाँ पे समय देख सकते हैं। सुबह 10 बजे से ही 2 बजे तक 4 घंटे का जो कि शोभा यात्रा था, जो कि हमने अलग से दिखाया है आपको, उसके बाद से जो कार्यक्रम है 3:30 बजे 4 बजे आगे घाट पे जो आरती है वो चालू हो जाएगी 5:30 बजे 5:20 से, और उसके बाद रामलीलाओं का जो आखिरी जो कार्यक्रम होगा वो 9 बजे से होगा, जहाँ पर आपको देश एवं विदेश से आए हुए जो प्रस्तुति है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर योगी जी आएंगे और इधर है पूरा का पूरा राम की पैड़ी। तो अभी का ये एक पार्ट है, अब हम आपको आगे दिखलाएंगे। मित्रों जैसा कि देख रहे हैं, अभी पूरी तरह से दिया सज चुका, तेल भी डल चुका, और इधर देखिए आपको सुंदर सा सनसेट हो रहा है। सूर्य भगवान अपने समय को पूरा करते हुए कार में जा रहा है, और इस समय समय की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में 4:30 हो चुका है। अभी बहुत ही सेंटर पॉइंट पर हम बैठे हुए, और यहीं पीछे इसके बैक साइड में इधर सीएम योगी आएंगे, और यहां से आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने और दिखाने को मुझे मिलने वाला है। तो चलिए अब थोड़ा सा और वेट करते हैं, 1-2 घंटे में सारे कार्यक्रम जो है कि आरंभ हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं, इस समय दिया जलाना है, जैसे कि दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं मोमबत्ती से बड़ी बड़ी जो स्टिक है उसमें मोमबत्ती लगा कर स्टिक में यहाँ पर दियों को जलाने का कार्य जो है कि आरंभ हो चुका है। समय आप देख सकते हैं मेरी घड़ी में 17:35 हो रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है कि आरंभ होगी प्रक्रिया, और यहाँ पर सभी लोगों ने तीव्र गति से, सारे वॉलंटियर्स ने दिया जलाना आरंभ कर दिया। ये जोश देखिए, साउंड देखिए, एक हर्ष है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस समय अयोध्या वापस से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही है, और इस बार 25 लाख दिए जलेंगे, जिसके लिए कि 28 लाख दियों को प्रज्वलित किया जा रहा है, और जिसका कि जो है कि कार्यक्रम जो है कि पूरी तरह से आरंभ हो चुका है तीव्र गति से। चारे ओर जितने भी वॉलंटियर्स हैं लगभग 30,000 की संख्या में, सभी लोग इस समय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, तो देख सकते हैं आपको थोड़ा सा टॉप व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक एक करके कितनी तीव्र गति से सारे दियों को जलाने का कार्य चल रहा है, और बहुत ही जोश है। आप देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है, जोश है लोगों में, जोश। भगवान श्री राम लंकापति रावण को परास्त कर, अभी यहीं पर सीएम योगी आएंगे, बैठेंगे, और यहां से पूरी के पूरी आयोजन होगा। ऊपर ड्रोन से रिकॉर्डिंग चल रही है, सारे गिनती हो रही है दियों की, और इधर पूरे मीडिया हाउस है। आपके लिए मैं एक्सक्लूसिव एरिया में खड़ा हूं, जहां पर पीछे योगी जी होंगे, और इधर आप देख रहे हैं कि मुख्य सेंटर पॉइंट घाट नंबर 10 है, जहां पे योगी जी बैठेंगे, और यहां से आप दियों को जलता हुआ देखिए, और सामने ही होगा मंच लगा हुआ है, यहां पर होगा लेजर शो भी, और इधर होगा ड्रोन शो। ये सभी कुछ मैं आपको एक्सक्लूसिव दिखाऊंगा वीडियो में, बने रहिएगा, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, यहां पर आम जनता वॉलंटियर्स ही नहीं, यहां पर आपको पुलिस आदि के जो जवान हैं वो भी आपको इसमें दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग देते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूं, आप देख सकते हैं यहां पर जो पुलिस कर्मी भी हैं वो भी दीयों को जला रहे हैं। नंबर काउंटिंग हो रही, नंबर 5 4 3 2 1 जय श्री राम। तो देख सकते हैं 1 से लेकर 55 घाटों पर दीयो जलाने का जो एक फुल फ्लेज में अनाउंसमेंट हो चुका है, 10 से काउंटिंग किया गया है, और जो जोश था वो देखने लायक था। ये जो पल था इसका व्याख्या नहीं किया जा सकता, अपने आप में अद्भुत पल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर योगी जी आ चुके हैं मंच पर, जय जय श्री राम की ध्वनि गूंज रही है, मान है, आप देखिए। जय जय श्री राम, वंदन वंदन, आप सभी की जोरदार तालियां, जय श्री राम, जय श्री राम। देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी
उप मुख्यमंत्री जी के साथ यहाँ पर इस समय दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। विश्वास का, अधर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की विजय का। तो देख सकते हैं इस समय पूरी लाइट्स ऑफ कर दी गई है। अब जो भी आपको जो प्रकाश दिख रहा है ये केवल और केवल जो कि मैन मेड लाइट है, देखा जाए तो दीयों से हुई रोशनी को ही इस समय आप देख सकते हैं। उस साइड में पूरी की पूरी दीप प्रज्वलित हो चुकी है और नॉर्मल सारे लाइट्स को बंद कर दिया गया है। तो आइए एक साथ मिलकर खुशियों के असंख्य दीप जलाएं और ये असंख्य झिलमिलाते दीप जिससे कि हमारे ये सरयू के तट आज जगमगा रहे हैं। तो इस समय आप देख रहे हैं कि अधिकांश दिए जल चुके हैं। आपको मैं क्लोज शॉट दिखाता हूँ। अवलोकन करें और प्रभु के चरणों में शीश नवाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा ही सुननी बहुविधि सब चंता। तो अब चालू हो गया यहाँ का लेजर शो। समय की बात करें तो आप मेरी घड़ी में देख सकते हैं 6:30 बज रहा है और लेजर शो आरंभ हो चुका है। श्री रामचंद्र के हर अंत में रावण अपने घर आते हैं चुप कर किया अपना। इस समय देख सकते हैं रामायण का लेजर शो का कांड चल रहा है। सभी खुशी में हर ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रोन शो चालू हो चुका है। लेजर शो के पश्चात जस्ट स्टार्ट हो चुका है ड्रोन शो। अब उसका आनंद लीजिए। प्रभु राम है सत्य का रूप, वही है प्रकाश सिंह, वो है दया निधान करुणा के सागर पुरुष। श्री राम सत्य है, श्री राम धर्म है, धनुष बाण है प्रतीक धर्म। धर्म से बंधी जनक नंदिनी सीता चल पड़ी, धर्म का नाश अन्याय की हुई है समाप्ति और चले आ रहे हैं। पुष्पक विमान से अयोध्या आ रहे हैं प्रभु राम। से छीना गया था इसी वाहन से हो रही है 14 वर्ष लंबी वनवास की यात्रा की समाप्ति और एक नए धर्ममय युग का आरंभ। राम की पैड़ी सहित 55 घाटों पर दिव्यता सत्य धर्म और न्याय शिरसा नमामि। मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ। रघुनंदन के युगल चरणों की हम वंदना करते हैं कि उन्होंने अपने आराध्य के लिए हर बाधा को पार किया, समुद्र को लांघा, पर्वत को उठाया और अपने प्रभु का संदेश महर्षि वाल्मीकि और उनकी पीछे के एरिया कट जा रहा है। इसका ही परिणाम है कि रामायण युग युगांतर से आज तक जीवित है, उसके हृदय तक पहुंचाया। रामचरित मानस न केवल साहित्य का एक अनमोल रत्न है, गोस्वामी तुलसीदास की परंपरा और भक्ति का रसपान किया।
धरती पर बिखर गए हैं। उत्सव की सुगंध से अयोध्या दीपोत्सव फाइनली अयोध्या में मन रहा है, और ये उसका है लेजर शो के पश्चात ड्रोन शो का विजुअल्स, जो कि आपको मैंने एक्सक्लूसिव दिखाया। वो बखूबी संजोए है, किंतु विज्ञान और तकनीकी में भी हम दुनिया के सबसे उन्नत देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। श्री राम की कृपा से सभी अयोध्या वासियों को उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी यही आशा है कि इस दीपोत्सव का प्रकाश आपके जीवन को समृद्धि, शांति और खुशियों से भर दे। तो अभी आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का उद्बोधन है। दुनिया का सबसे प्राचीनतम मानवता का धर्म है। दीपोत्सव का एक कार्यक्रम, मां सरयू की आरती के कार्यक्रम ने भी कुछ नए रिकॉर्ड बनाए होंगे, कुछ ही देर में उसकी घोषणा भी होगी। लेकिन हमें इस बात को याद रखना होगा, ये शाश्वत क्रम इसी प्रकार से चलता रहे कि अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी बनी द मोस्ट पीपल परफॉर्मिंग दिया रोटेशन साइमल्टेनियसली एंड द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स, द लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ ऑयल लैंप्स, आई एम श्योर यू आर वेटिंग फॉर दैट। द करंट रिकॉर्ड स्टैंड्स जस्ट ओवर 22 लाख with a total of 2,512,585, which translates just over 25 lakh. Se record bana hai naya. UP Tourism, Ramanagar Lohia Abad University, you are the new Guinness World Records title holders for the largest display of oil lamps. Congratulations on both counts. ये एक साथ जगमगाए हैं, और साथ ही साथ एक नवीन कीर्तिमान 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये देख सकते हैं सारा शो खत्म हो चुका है, लेजर शो, क्रैकर शो, आपका ड्रोन शो और पूरी प्रस्तुति खत्म हो चुकी है। इस समय यहाँ पर अभी भी जनता की इतना उत्साह है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जयकारे लग रहे हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर अयोध्या में मनाई गई है 2024 की 500 वर्षों पश्चात आई हुई दीपोत्सव। तो फाइनली जी देखिए, अब हम लोग सारे भाई लोग सब लोग मिल के अब हम लोग डिनर कर रहे हैं, और ये अब चूंकि मंदिर हो गया पूरा का पूरा, ड्रोन शो, लेजर शो, राम की पैड़ी, दीपोत्सव, सब कुछ देख लिया, अब लगी है भूख, तो भूख का भी तो कुछ करना होगा, तो अब उसका भी निवारण, चलिए अब खाते हैं। और ये है बता दूं पनीर चुलबुली, और ये दाल मखनी है लेकिन काजू पता नहीं क्या क्या है यार, ये है शाही पनीर, शाही पनीर है लेकिन काजू को ज्यादा दिख रहा है, ये मीठा होता है। अच्छा ये मीठा है, कोई नहीं, बाकी दाल है इधर, रोटी है, ये सारे कुछ खाना है। तो मित्रों अभी हम आ चुके हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन पर, और यहाँ पर अभी हमारी जो है की पूरी अयोध्या दीपोत्सव की जो ट्रिप है, स्पेशल ट्रिप पूरी होती है, और अब हम यहाँ से ट्रेन पकड़ के वापस अपने घर बनारस को सुबह तक पहुँच जाएंगे। तो कैसी लगी जानकारी मुझे बताइएगा, बहुत अच्छी लगी होगी, कुछ जानकारी आपको काम की लगी होगी, तो वीडियो को सुझाव भी देना होगा, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।